बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे ओवर लेक्चर नंबर इज 19, चैप्टर 14 एमजीएम 311 एंड चैप्टर नंबर 12 आईएमएच 311। दिस इज अबाउट स्टेप्स फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस, कि एक सनती अदारा में हम बेहतर हालात कार के लिए कौन कौन से अकदाम उठा सकते हैं। इनमें पहले नंबर पर है बेटर लाइटिंग, यानी रोशनी का माकूल इंतज़ाम, मध्यम रोशनी में काम से बसारत मुतासर होने के अलावा इंसान असाबी तनाव का शिकार हो जाता है, यानी नर्वस टेंशन, और असाबी तनाव और खचाव में रहने की वजह से कारकुन बहुत जल्द थकान में मुब्तला हो जाया करता है। बसरी असाब हम वक्त तनाव और खचाव रहने की वजह से काम पर से तवज्जो हट जाती है, और इससे ना सिर्फ सनती पैदावार का मियार और मकदार मनफी तौर पर मुतासर होते हैं, बल्कि इस वजह से सनतों में हादसा भी रुनुमा होते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी जिससे आंखें चुंधिया जाती हैं, वो भी बेनाई के साथ साथ सनती अदारों में काम के लिए तकलीफ दे हैं, नुकसान दे हैं। इसलिए रातों को काम करने वाले कारकुनों और तय खानों के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए दिन की रोशनी जैसी रोशनी का बंदोबस्त करना चाहिए। सेकेंड नंबर पर है वेदर कंडीशंस, यानी मौसमी हालात। गर्मी या हरारत का इंसानी कारकर्दगी और महारत से बराह रास्त ताल्लुक होता है। यही वजह है कि सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में हम बड़ी कलील मकदार में काम करने के काबिल होते हैं। मुख्तलिफ माहरीन, जिनमें वर्नर, वार्नर और बेडफोर्ड शामिल हैं, उन्होंने तजर्बात से ये साबित किया कि जब दर्जा हरारत 70 डिग्री फॉरनहाइट से नीचे हो तो इंसान नासाजी तबाह के बायस 3% वक़्त ज़ाया करता है, और जब दर्जा हरारत 70 से 80 डिग्री फॉरनहाइट के दरमियान हो तो वक़्त का ज़िया 4 या 5% तक जा पहुँचता है। ऐसे ही तजर्बात से ये मालूम किया जा चुका है कि जिस्मानी कामकाज के लिए मौजूद तरीन टेम्परेचर या हरारत 68 डिग्री फॉरनहाइट से 75 डिग्री फॉरनहाइट है। अलबत्ता ज़हनी कामकाज के लिए 86 डिग्री फॉरनहाइट तक बखूबी काम किया जा सकता है, जबकि फ़ज़ा में 80% रतूबत हो। मौसमी हालात के बार ज़िमन में जो चीज़ें कारकर्दगी को मुतासर करती हैं, उनमें हवा का चलना बहुत ही अहम अंसर है। बिलखसूस गर्म इलाकों में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। हवा के चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ होती है, जिससे कारकुन तबका को कदरे सुकून मिलता है और उनकी काम में दिलचस्पी बढ़ जाती है। मौसम गर्मा के लिए मौजूद तरीन टेम्परेचर 69 डिग्री फॉरनहाइट से 73 डिग्री फॉरनहाइट तक है, और मौसम सरमा के लिए 65 डिग्री फॉरनहाइट से 70 डिग्री फॉरनहाइट तक टेम्परेचर मुनासिब रहता है। आज के जदीद दौर में सनतकार हजरात को मंदरजा बाला, जो मैंने आपको पहले अभी बयान कर चुका हूँ, दर्जा हरारत को मौसम गर्मा व सरमा में दौरान काम मुफीद रखने के लिए एयर कंडीशनिंग का निज़ाम अपनाना चाहिए। बज़ाहिर इस पर काफ़ी खर्चा और लागत पड़ने का अंदेशा होता है, मगर इसके नतीजा में पैदावार की मकदार और मियार जो हासिल होता है उसके मुकाबला में ये खर्च कुछ नहीं होता। तीसरे नंबर पर है शोरोगुल, कंट्रोल ऑन नॉइस। शोरोगुल पर कंट्रोल, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ और कारखाने, उनमें भारी और बड़ी बड़ी मशीनों के चलने से बड़ा तेज़ शोर पैदा होता है। तजुर्बा से ये बात साबित की है मुख्तलिफ माहरीन ने कि शोरोगुल का कारकुन की महारत और कारकर्दगी पर मनफी असर पड़ता है, और यही वजह है कि वहाँ शोरोगुल को जज़्ब करने वाले आलात, यानी नॉइज़ एब्जॉर्बिंग इक्विपमेंट, उनका इस्तेमाल करें, और उनका इस्तेमाल करने से
कारकुनों की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर सनती पैदावार के मियार और मकदार दोनों को बेहतर किया जा सकता है। इंसानी आज़ा अपने माहौल से किसी हद तक मुताबकत पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स से जब कोई चीज़ बढ़ जाए, यानी उज़्वियाती हद से जब कोई चीज़ बढ़ जाए, तो वो लाजमन इंसानी आज़ा को मुतासर करती है। और यही सूरत हाल शोरोगुल की है कि जिस हद तक शोर के साथ तो इंसानी काम मुताबकत रखते पैदा कर सकते हैं, मगर किसी हद तक इंसानी काम मुताबकत शोर के साथ रख सकते हैं, मगर अगर उस हद से मुतजावज शोर हो जाए तो यकीनन इंसानी समाज और महारत दोनों को मनफी तौर पर मुतासर किया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी समझा जाता है कि सनती अदारे अपनी पैदावारी मेयार और मकदार को बढ़ाने और कारकुन तबका के इत्मीनान के लिए शोर व गुल के कंट्रोल करने का एक मनसूबा और प्रोग्राम मुरतब करें और वक्तन फवक्तन उस पर नज़रसानी करते रहा करें, ताकि कारकुनों के आज़ा पर जो बुरा असर पड़ता है शोर व गुल के ज़्यादा होने की वजह से उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ म्यूज़िक। पहले भी हम पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। बायोलॉजी के इलम से ये बात वाजे होती है कि शोर और मौसीकी की आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, यानी एक दूसरे की ज़िद होती हैं। लिहाजा जब साबित हो चुका कि शोर व गुल के असरात इंसानी कारकर्दगी पर मनफी होते हैं, तो लामहाला ये सोच पैदा हुई कि मौसीकी के असरात इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत पड़ने चाहिए, और मुशाहदात व तहकीकात से ये बात तय हो चुकी कि वाकयातन ऐसा ही होता है। यानी और इसके बाद भी मज़ीद कुछ तजर्बात किए गए और ये बात देखने में आई कि 2/3 लोग या कारकुन काम के दौरान मौसीकी को तरजीह देते हैं, जबकि 1/3 कारकुन ना तो उसे तरजीह देते हैं और ना ही पसंद करते हैं। अलबत्ता पैदावार में इजाफा ज़रूर होता है। कारकुनों पर ये तजर्बा कैर और करपैट्रिक उन्होंने किए। उनके अलावा लैंगडन और वेट ने भी तजर्बात से ये साबित किया कि उकताहट और बेजारी पैदा करने वाले कामों के दौरान अगर मौसीकी का एहतमाम कर लिया जाए तो उससे पैदावार 6-11% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा मौसीकी कारकुनों की थकान और बोरियत का सदबाब बनती है, जिससे हादसा पर भी काबू पाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्किंग आवर्स, यानी औकात कार। सनती दौर की इब्तदा में ये सोच हालत थी कि जितनी ज़्यादा देर के लिए कारकुनों से काम लिया जाए उतनी ज़्यादा सनती पैदावार हासिल होगी, और लाजमी अमर है कि जिस कदर ज़्यादा पैदावार होगी उसी कदर ज़्यादा मुनाफा हाथ आएगा। इसलिए शुरू शुरू में सनतों में औकात कार 22 घंटे और 20 घंटे रोज़ाना रहे हैं, मगर माहरीन नफ्सियात के सनती अदारों में अमल दखल से सनतकारों को ये बात समझाने की कोशिश की गई कि इंसान को मशीन समझना और मशीनों की तरह उससे काम लेना जहां इंसानियत की तौहीन है, वहां ऐसा सलूक करने से पैदावार में मियार और मकदार के लिहाज से बेहतरी पैदा करने की बजाय कमतरी और ख़राबी पैदा होती है। इस तरह औकातकार को कम किया जाने लगा। पहले पहल 16 घंटे रोज़ाना से 12 घंटे किए गए, फिर 12 घंटों से 10 घंटे और फिर 10 घंटों से 8 घंटे और फिर 8 घंटों से 6 घंटे भी किए गए हैं बाद जगहों पे। दिलचस्प बात ये रही है कि जूं जूं हमने औकात कार में कमी की, तूं-तूं पैदावार और मियार और मकदार हर दो लिहाज से बेहतर से बेहतरीन होती चली गई। फिर सनती लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालक में हफ्तावार 1 छुट्टी की बजाय 2 छुट्टियों का तजर्बा किया गया, जिसके नतज नहायत हौसला अफजा निकले, और अब ऐसे तमाम ममालक में कारकुनों को हफ्तावार 2 छुट्टियां दी जाती हैं। याद रहे कि औकात कार कम करने से थकान और बोरियत भी कम होती है, जिसकी वजह से हादसा भी कम पेश आते हैं। इसके अलावा पिछले चंद वर्ष से USA में ये तजर्बात हो रहे हैं कि हफ्तावार छुट्टियों की तादाद 2 से बढ़ाकर 3 कर दी जाए, और बड़े बड़े हौसला अफजा इसके रिजल्ट आए हैं। इस ज़मन में बाद सनती अदारों में तजर्बाती तौर पर
तीन छुट्टियां कारकुनों को मिल रही हैं, अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। नीज वहां रोजमर्रा के औकाते कार को भी 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे रोजाना कर दिया गया है। अब कई सालों से हफ्तावार, माहवार, सेमाही, शशमाही और सालाना बुनियाद पर हर दो किस्म के सनती अदारों में जहाँ 6 घंटे रोजाना काम लिया जाता है और हफ्ता के 5 दिन काम होता है, और उन सनती अदारों में जहाँ 4 घंटे रोजाना काम होता है और हफ्ता में 4 रोज काम होता है, उनका पैदावार की मकदार और मैार के लिहाज से मुवाजना किया जा रहा है। और ये बात हौसला अफजा है कि उन सनती अदारों में कि जहाँ रोजाना 4 घंटे काम लिया जाता है और हफ्ता में सिर्फ 4 दिन काम होता है, सनती पैदावार की मकदार दूसरे अदारों के मुकाबले में ज़्यादा और मैार के लिहाज से बेहतर होती है। और ऐन मुमकिन है कि अमरीका में हुकूमत की जानब से सनती कारकुनों के लिए अब औकात कार 4 घंटे रोजाना और अयाम कार हफ्ता में 4 रोज मुकर्रर कर दिए जाएँ। बहरहाल ये तो हर मुल्क का अपना अपना हिसाब है इस बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6, रेस्ट पास, रेस्ट आवर्स, आराम के वक्फा जात। कारकुनों से काम की औकात कार में लगातार काम कराने की बजाय दरमियान में आराम के वक्फा जात करना मुफीद है, दरमियान में रेस्ट देना उनको फ़ायदेमंद है। 6 या 8 घंटों में हर 2 घंटे के बाद अगर निजी ज़रूरियात मतलब पानी पीने, चाय पीने या हुक्का पीने या टॉयलेट जाने वगैरह के लिए उनको 5 से 10 मिनट का वक्फा दे दिया जाए तो इससे बज़ाहर काम का वक्त घटता नज़र आता है, मगर इससे पैदावार में इजाफा और कारीगरों की थकान और बोरियत में कमी वाक़ होती है, जिससे दिन भर की मजबूरी पैदावार पर मेयार और मकदार दोनों तरह से खुशगवार असरात पड़ते हैं। वर्नर ने भी इस तजर्बा किए और यही बात उन्होंने इसमें साबित करने की कोशिश की है कि आराम के वक्फाजात थोड़े 2-4 घंटों के बाद रेस्ट दे दिए जाए तो वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेंटिलेशन, रोशनदान, ताज़ा हवा, वर्किंग कंडीशन के नुक्ते नज़र से। ताज़ा हवा कारकुनों को ताज़ा दम रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि रोशनदानों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और गिद्दो गबार के अलावा सनती अदारों में अगर मुख्तलिफ़ किस्म के बुखारात भी हों तो उनसे जल्द अज़ जल्द निजात हासिल की जाए, क्योंकि वो इंसान के मुख्तलिफ अंदरूनी व बैरूनी अज़ा को मुतासर करते हैं जिसकी वजह से कारकर्दगी और पैदावार मुतासर होती है। ताज़ा और पाक साफ हवा की बदौलत कारकुन अपने काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, फ्रेश रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी भरपूर तवज्जो काम पर मरकूज़ रहती है और पैदावार में खुशगवार इजाफा होता है। थकान और बोरियत का अजाला होता है जिससे हादसा में भी कमी वाक़ होती है। 8th पॉइंट है हमारे पास सेहत और इलाज मुआवजा, यानी मेडिकल फैसिलिटी। सेहतमंद कारकुन ही भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। कारकर्दगी और सनती पैदावार के लिए कारकुनों की सेहत का ख्याल रखना इंतज़ामिया की अवलीन जिम्मेदारी बनती है। इस गर्ज से बड़े सनती अदारों में एक मुकम्मल हस्पताल, एक मुकम्मल तजर्बागार डॉक्टर और नर्सों वगैरह का इंतज़ाम और प्लस ज़रूरी अद्वियात भी होनी चाहिए ताकि एमरजेंसी में डॉक्टर्स और नर्सें वर्कर्स का ट्रीटमेंट कर सकें। इस तरह छोटे सनती अदारों में यूनिटों में एक डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी एक डिस्पेंसरी जहाँ मुफ्त अद्वियात का इहतमाम हो, इसका होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के तहत सनती अदारे शहरों और आबादियों से दूर तामीर किए जाते हैं, इसलिए हंगामी ज़रूरियात के लिए सनती अदारे में एक अस्पताल और कम अज़ कम एक डिस्पेंसरी के क्याम के बगैर किसी सनती अदारे को काम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और हमारा फैक्ट्री एक्ट भी यही कहता है कि सनती अदारों में एमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। अभी हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इन तमाम पॉइंट्स में इकदाम को अगर हम मद्देनज़र रखें तो कारकुन तबका अपने आजर और सनती इंतज़ामिया पर भरपूर एतमाद करेगा, उनका एतमाद बढ़ेगा, उनकी महज लफ्जी हमदर्दी नहीं बल्कि ये उनकी कारकर्दगी उनके कारकुन तबका के अफराद के लिए पुरखलूस कावश एक अमली सबूत होना चाहिए इसका, जो उनकी इज्जत नफ्स को बढ़ाने में भी मबदो मुआवन साबित होंगे और आजर और अजीर यानी मालक और मजदूर के दरमियान खुशगवार फ़जा कायम करके मजमूई पैदावार में इजाफा का बायस बनेंगे। तो मोहतरम तलबा, आज का ये टॉपिक हमारा वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मजीद के हालात कार के कारकर्दगी पर क्या असरात पड़ते हैं और हालात कार के लागत पर क्या असरात पड़ते हैं,
ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।